फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लागू करने की बात कही है। इससे दवाओं की क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुधरने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने फार्मा सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणीश चावला से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सरकार पूरा सिस्टम लेके कानून लेके आई है, इससे सबसे पहला क्या फायदा होने वाला है और अभी तक क्या स्टेटस है सर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, और जो कंपनियां इसको अपनाने के लिए आगे आ रही हैं उनके लिए किस तरह की मदद की स्कीम सरकार लेके आ रही है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का शेड्यूल एम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें रिवैम्प किया गया था, अपग्रेड किया गया था और उसे WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के समानांतर बनाया गया था ताकि जो भी दवाएं हमारे यहाँ बने वो GMP स्टैंडर्ड्स के अनुसार हों। और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3000 कंपनीज और फर्म्स और प्लांट्स GMP कंप्लायंट हैं और जन औषधि में 100% GMP कंप्लायंस सुनिश्चित की जाती है और उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट भी की जाती है। हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज हैं वो USFDA कंप्लायंट भी हैं और इसके अतिरिक्त हम भी जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी मदद करने के लिए हमने 100-day प्रोग्राम्स के अंतर्गत भारत सरकार के उसे एक नया लिबरलाइज्ड प्रोग्राम लागू किया है जिसका नाम है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। और उस योजना के अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, HVAC, टेस्टिंग फैसिलिटीज प्लांट्स में अपग्रेड करने के लिए हम कंपनीज की सहायता करते हैं और बहुत सी कंपनीज जो हैं उसमें सहायता पाने के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है और उसकी लाभ प्राप्त कर रही हैं। लगभग 250 के करीब प्लांट्स ने ऑलरेडी इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी है। इसमें छोटे जो कंपनीज हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब खबरें आपको दिखाते हैं चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की DJP रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला पर विपक्ष के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पिछले महीने रश्मि शुक्ला पर गैर कानूनी फोन टैपिंग के आरोप भी लगाए थे। इधर दोनों गठबंधन में बागियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला से चार्ज लेकर उनके बाद सबसे वरिष्ठ IPS को चार्ज सौंपने का आदेश भी दिया है। साथ ही 3 IPS अधिकारियों का पैनल बनाकर अगला DGP चुनने को कहा गया है। इधर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने यूटर्न ले लिया है। पहले वो 20 उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कही है। पाटिल ने इस कदम से BJP विरोधी वोटों के बंटने का खतरा कम हुआ है जो महाविकास आघाड़ी के लिए राहत की बात साबित हो सकती है। वहीं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने भी नाम वापस ले लिया है। वो अंधेरी ईस्ट से शिवसेना उम्मीदवार को चुनौती दे रही थी। साथ ही बोरीवली सीट से BJP के बाकी नेता गोपाल शेट्टी ने भी नाम वापसी का ऐलान कर दिया है। आज दोनों प्रमुख गठबंधनों का ध्यान अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड चुनाव में गढ़वा से चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोटी बेटी और माटी की पुकार का नारा दिया और GMM कांग्रेस की सरकार पर जमकर वार भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि BJP जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है, जबकि कांग्रेस के झूठ से हिमाचल और तेलंगाना जैसे राज्यों के लोग भी त्रस्त हैं। झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा NDA सरकार,
मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे सब बोलेंगे, रोटी बेटी माटी की पुकार। हिमाचल को तबाह करके रख दिया है, वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। चुनाव में मुफ्त के वादों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या मुफ्त के चुनावी वादे राज्य सरकारों पर पड़ रहे हैं भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।